हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे यूजीसी नेट और सीयूटी यूजी की एक फाइनल अपडेट आ चुकी है। ये आप लोग देख सकते हो न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये न्यूज़ आर्टिकल जो है पर्टिकुलरली यूजीसी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लगाया है, पोस्ट किया है। ठीक है, अब ये पहले है क्या नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे? अब जो सीयूटी यूजी है और जो यूजीसी नेट में बच्चे अपियर हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ध्यान से सुनो। आपको पहले प्रीवियस एग्ज़ाम समझना पड़ेगा 2023 का। अब जैसे 2023 में क्या होता था आप लोगों को पता है कि 2023 में होता क्या था, जैसे जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा, मैं मान लेता हूँ ये सीयूटी यूजी की बात कर रहा हूँ, ये यूजीसी नेट वाले भी अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब जैसे जनरल टेस्ट बच्चों ने ऑप्ट किया, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन टोटल 5 लाख बच्चे जो है जनरल टेस्ट का फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, 5 लाख मत मानो, 2 लाख ही मान लो, ठीक है। लास्ट ईयर अब मान लो 2 लाख बच्चों ने यहाँ पर जनरल टेस्ट ऑप्ट किया था, अब 2 लाख बच्चों का एक ही दिन एग्जाम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर सेंटर में ऑल ओवर इंडिया के लिए हर सेंटर में सीबीटी मोड पर पहले एग्जाम होता था, तो हर सेंटर के लिए यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए था, हर सेंटर पे कंप्यूटर भी नहीं होता था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही एग्जाम जैसे जीटी का था जो जनरल टेस्ट का था वो हो गया 20 तारीख को, एक फिर इन्होंने करवा दिया 26 तारीख को, फिर करवा दिया 28 तारीख को, फिर करवा दिया 30 तारीख को। अब यहाँ पे अलग अलग दिन एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो ठीक है, नॉर्मल है, इसमें नया क्या है? अब आप लोग ध्यान से देखो, एक ही एग्जाम अगर 10 से 12 बार कंडक्ट हो रहा है, अलग अलग बच्चे अपियर हो रहे हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 लाख बच्चे हैं तो 50,000 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम चार जगह चार शिफ्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या था, अब ऐसा भी तो हो सकता है एक शिफ्ट में या आपका 22 तारीख को पेपर है या 20 तारीख को पेपर है तो 26 तारीख वाले का आसान पेपर आ गया, 20 तारीख का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन जो 26 तारीख का पेपर था वो थोड़ा आसान आया था, 28 तारीख वाला मॉडरेट लेवल का था, और 30 तारीख वाला जो एग्ज़ाम होता वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे भेदभाव हुआ, अगर 30 तारीख वाले बच्चा जो अपियर हुए थे 30 तारीख में 50,000 बच्चे में मान लेता हूँ, तो बाकी के जो 1.5 लाख है उनके साथ तो ना इंसाफी हुई, क्योंकि उनका एग्ज़ाम क्या था, किसी का मॉडरेट है, किसी का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, किसी का हार्ड था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करते थे, नॉर्मलाइजेशन करते थे। नॉर्मलाइजेशन में ये होता था कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी होता था और जिसका बहुत ज़्यादा हार्ड होता था या मॉडरेट होता था, तो सभी को बराबर नंबर दिए जाए ताकि किसी का भेदभाव ना हो किसी के साथ, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता था आपका पर्टिकुलरली, ये ऐसे ही यूजीसी नेट के अंदर भी होता था, ठीक है। तो अब आपको पता है इस साल 2024 में क्या हुआ, ओएमआर शीट। अब यहाँ पे कुछ पेपर तो सीबीटी मोड पर हैं, मैं यहाँ पे सीयूटी यूजी की बात कर रहा हूँ, और बाकी यूजीसी नेट का पूरा पेपर ओएमआर पर होगा, ठीक है, और सीयूटी यूजी का ओएमआर और सीबीटी दोनों मोड पर है। लेकिन मैंने डेट शीट में बता रखा है किस किस का एग्जाम किस किस दिन है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना चैनल पर। टेस्ट में हर साल बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, इस साल भी हुआ, जनरल टेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और बाकी साइंस के कुछ कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ बहुत ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए, तो इनका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओएमआर शीट पर इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, और सीबीटी मोड पे उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जो जिनमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन थोड़े बहुत थे, कम है यानी, ठीक है, ओएमआर पे उनका हुआ जिनके बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए। तो ये पूरा एक सिनेरियो था जिसकी वजह से अब ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर को अब समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर आपका सीयूटी यूजी हो चाहे वो यूजीसी नेट हो, आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, सभी बच्चों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ठीक है। अगर आपने जनरल टेस्ट ऑप्ट करिए तो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स का एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो रहा, ठीक है। आपने हिस्ट्री चूज़ करी तो हिस्ट्री का भी आपका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, ठीक है, जो पहले होता था क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा थे। तो यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन कर रखा है, जैसे यहाँ पे सीयूटी यूजी है जो, और बाकी जो नेट एग्ज़ाम है यूजीसी नेट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है नॉर्मलाइजेशन स्कोर को, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये जगदीश कुमार सर ने कहा है 22 अप्रैल रिपोर्टेड बाय पीटीआई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर विल बी रिक्वायर्ड दिस ईयर सिंस बोथ एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट, ठीक है, फॉर अ सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा अब जीटी का एग्ज़ाम जो है सभी का एक दिन होगा, आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम सभी का एक दिन होगा, जितने लैंग्वेजेज़ है जितने पेपर है सीयूटी के या यूजीसी नेट के वो सभी के एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन का कोई वो ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो, अब ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, वहाँ पे अगर 1 लाख कैंडिडेट बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किए हैं सीयूटी यूजी के अंदर, तो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जब सभी बच्चे एक ही साथ बैठ रहे तो जाहिर सी बात है यार पेपर तो एक ही होगा सभी का, मॉडरेट लेवल आएगा तो सभी के लिए मॉडरेट है, ईजी आएगा तो सभी के लिए ईजी रहेगा, हार्ड
हार्ड आएगा तो सभी के लिए हार्ड होगा वो पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं है, बाकी मैंने नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बता दिया है कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, बाकी CUT UG का आप लोग व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।